बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग भैरवी भजन 29। थोलिकाए पाप पापी दे करी संसार खाए। पाप पापी जे करी संसार खां। सेल कल हर गिज न रहंदई प्रभु अजान हार खां। सेल कल हर गिज न रहंदई प्रभु अजान हार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार खां। जे लिकी तू पाप माणन खां कंदे गुझगो हमें। लिकी तू पाप माणन खां कंदे गुझगो हमें। से छुपाए की न सगंदे कद सत कर तार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार खां। चंड सूरज पवन पानी अग्नि भू आकाश भी। चंड सूरज पवन पानी अगन भू आकाश भी। थाड सन सब डोहत हिंजा जे करेंगे वार खां। हो थाड सन सब डोहत हिंजा जे करेंगे वार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार खां। चित्रगुप्ता भी लिखन था मनुष्य जे पुण्य पाप के। चित्रगुप्ता भी लिखन था मनुष्य जे पुण्य पाप के। शाहिदी दिल भी दिए थी दिस पुछी विचार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार खां। कहे टेऊं पाप सा दुख नीच जूनिया में मिले। कहे टेऊं पाप सा दुख नीच जूनिया में मिले। नाम जप शुभ कर्म कर ढिज पाप जे वहवार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार खां। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार। राग भैरवी भजन 29। थोलिकाए पाप पापी जे करी संसार का। पाप कर्म में प्रवृत्त मनुष्यों को गुरु महाराज जी सदुपदेश दे रहे हैं कि वो ईश्वर सर्वव्यापी सर्वांतर सर्वांतरयामी और सर्वदृष्टा है। वो सब चीजों को देखता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। मन के अंदर चलने वाले विचार, शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म, सबको वो देखता है। अगर तुम पाप करते समय सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तो ये तुम्हारी भूल है। से लिकल हरगिज न रहंदई प्रभु जानन हारख। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार,
उस परमात्मा से छुप नहीं सकते। वो सबको जानने वाला है। जेल की तू पाप मानन खां कंदे गुझ गो हमें। गुझ माना छिप करके, एकांत में तुम अगर पाप करोगे कि कोई संसार का आदमी न देखे, से छुपाए की न सकंदे कदह सतकर्ता रखा। उस परमात्मा से सतकर्ता से वो छुपे हुए नहीं रह सकेंगे। उनके सामने सब कुछ प्रकट है, सब कुछ साफ है। चंड सूरज पवन पानी अग्नि भू आकाश भी। तो सूरज चंद्रमा हवा पानी अग्नि धरती आकाश चित्रगुप्त ये सब तुम्हारे कर्मों को देखते हैं। हमेशा ही तुम्हारे ऊपर उनकी निगरानी है। थार सन सब डोह तुंजा जे करी गेवार का। अज्ञान के वशीभूत होकर जो भी तुम पाप कर्म इत्यादि करते हो वे सब उनको देखते हैं। चित्रगुप्ता भी लिखन था मनुष्य जे पुण्य पाप के। लेखा लिखने वाले चित्रगुप्त वो तुम्हारे पुण्य और पापों का हिसाब रखते हैं। शाह दी दिल भी दिए थी। अपना हृदय भी उसका साक्षी है। जो तुमने सोचा किया वो तुम्हारा हृदय भी उसका साक्षी है। प्रश्न पूछी विचार का अपने अंतर में झांक कर देखो कि सब बातें जो दूसरों से गुप्त है उसको तुम भी जानते हो और ऊपर जो बताए गए वे भी जानते हैं। कहे टेऊ पाप सा दुख नीच जूनिय में मिले। पाप करने से निकृष्ट जोनिया पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख जोनिया वहां पर जाकर के दुख भोगना पड़ता है। नाम जप शुभ कर्म कर। इसलिए नाम का स्मरण करो, शुभ कर्म करो। निज पाप जे व्यवहार रखा। पाप के व्यवहार से डरो क्योंकि पाप और उसका फल हमेशा तुम्हें भोगना पड़ेगा। जो किया हुआ कर्म है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्म जो कुछ भी मनुष्य के द्वारा जीव के द्वारा किया जाता है उसका फल उसे अवश्य भोगना है। तो गुरु महाराज जी इस भजन में सावधान कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ
सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार, जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार, वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊं राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।